गोपुर नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम को कड़ाकड़ी करा जाय छी। जिलार समस्त पेट्रोल पंप रे बिना हेलमेट रे पेट्रोल न देबा को तागिद कर छी जिला प्रशासन। एपरि नियम उल्लंघन करबा अभियोग रे सहरर सुभाष बोस छक रे थिबा दुईटी पेट्रोल पंप को सील कर दिया जाय छी। सीसीटीवी फुटेज जांच पर एही कार्यनुष्ठान लिया जाय छी। सबडे प्रशासन रे भली कार्यनुष्ठान को पेट्रोल पंप मालिक माने सहज रे ग्रहण करि पारु नाहंती। डिसाइड हो डिफरेंट स्टेक होल्डर मानक कन्वे कराई जो मैंने पालन करूना प्रति एनफोर्समेंट ही होफिनेटली स्पेशल ड्राइव जेहतु रही राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट रू नहीं कि आम चीफ सेक्रेटरी मैंडेट रही कि गंजाम कमी रोड सेफ्टी डेवलपमेंट कराव से लाइट में कलेक्टर सर गाइडेंस डिफरेंट स्टेप्स इट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। आज आम पेट्रोल पंप आज्ञा आम कड़ाकड़ी भाव में हेलमेट पिंधिक ग्राहक को पकेवा बाध्य कर सीसीटीवी फुटेज भी चेक करेंगे 99% आमर हेलमेट पिंधिक लोक तेल पकाउंट ता देहरे किछीटा लोक डिक्की भितर आणुचंदी किछीटा लोक हेलमेट चेंज करा करी आउचंदी सेटा तो आम कंप्लीट प्रोटेक्शन करि परिबोनी। तो मोर क्वेश्चन है जदि आप स्ट्रिक्ट अच्छा रोड उपर बिना हेलमेट लोक जाउचंदी केमिति एटा को आपण कड़ाकड़ी करंतु। तो हेलमेट चेकिंग को नैकिरी ब्रह्मपुर रे मिश्र प्रतिक्रिया आसू पेट्रोल पंप मालिक माने कार्यानुष्ठान को विरोध अधिक सूचना पाए सहित जोड़ी होती ब्रह्मपुर प्रतिनिधि शक्तिधर राजगुरु। शक्तिधर जो भाव में प्रशासन हेलमेट चेकिंग को कड़ाकड़ी कर खासकर पेट्रोल पंप हेलमेट नथिले तेल मिलना तो पेट्रोल पंप मालिक माने विरोध कर तो साधारण किभली रही प्रतिक्रिया एभली कटकणा को नहीं कि देखो शक्तिशाही गत काली जिला प्रशासन पक्ष जिलापा निर्देश क्रमे सुप्रीमकोर्टर जो कड़ाकड़ी नियम रही बिना हेलमेट मानने सड़क सुरक्षा जो नियम रही कड़ाकड़ी पालन करने जहाँ आधार कर गंजाम जिला प्रशासन पक्षर व्यापक बंदोबस्त कर सचेतनता सृष्टि करने समस्त नवेदन करद्वारा कि नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम को कड़ाकड़ी लागू करने समस्त पेट्रोल पंप मालिक अनुरोध कराइला से ही क्रम में ब्रह्मपुर विभिन्न पेट्रोल पंप बैनर लग जा लोक सचेतनता सृष्टि कराइला पेट्रोल पंप मालिक मैंने पाई आसते तेज किसी लोक जो मैंने कि नियम उल्लंघन करते जहाद्वारा कि बाध्य होते पेट्रोल पंप मालिक मैंने से पेट्रोल देवाई ना कौन अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो आशंका करते जेहतु पुलिस सेमती व्यवस्था ना से पेट्रोल पंप मालिक मैंने बाध्य होते विभिन्न समय तेज बर्तमान गत काली जिला प्रशासन पक्षर ब्रह्मपुर सुभाष बोस छक विभिन्न पेट्रोल टांगी और जो कारगिल पेट्रोल पंप अच्छी ताकि सिल कर तार प्रतीकात्मक भाव गत काली ब्रह्मपुर सहर समस्त पेट्रोल पंप को राति बंद करते पेट्रोल पंप मालिक मैंने तेज ब्रह्मपुर सहर में आज सकाल जदि चार पेट्रोल पंप बंद रही तेज अन्य पेट्रोल पंप सब खोला रही तेज लोक निहाती भाव नहीं ना असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ी जेहतु ब्रह्मपुर सहर प्रमुख छक जो पेट्रोल पंप दुईटी अच्छी ता बंद रही आम सहित अच्छा निजे पेट्रोल कारगिल पेट्रोल पंप मालिक निजे अच्छा कौन कह जो जो प्रशासन जो स्टेप नहीं कि देखुं ना प्रशासन जो स्टेप नहीं जो बंद करा स्टेपटा यहाँ आद ग्रहण योग्य नुह आम समस्त डिलर भाई मैंने अच्छा प्रशासन जितेबाला जो स्टेप ना जो अगस्त 15 मस डिलर भाई मैंने ही मिसिकी जो जो कैंपेन अच्छी नो हेलमेट नो पेट्रोल को सुचारू रूपे परिचालित करते प्रति पेट्रोल पंप जो बैनर जो नो हेलमेट नो रू पेट्रोल जो रूल लागू होती पिला द्वारा ये सब चालित हो आगे आमे सहयोग करूँ कि हठात जो आसी कल हठात जो बंद करके पलैले कौन सी जिनस को तर्जमा नक तेणु ये आद ग्रहणीय नुहे आप कौन कह बर्तन जेहतु पेट्रोल पंप मालिक मैंने बर्तन गोटे जगह एकत्रित होती फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कौन आपकी चिंता करते हाँ बर्तमान गत काली उपजिलापा टीम आसी आमको कहीकि आम रोड सेफ्टी चेयरमैन कलेक्टर महोदय को मिसापी आम आज मिसबू तहत कथबार्ता करूँ और आमर मुख्य दाबी है ये नो हेलमेट नो पेट्रोल से प्रशासन पक्ष दुईज जो पावरफुल लोक जो मैंने कि चलाण काटिपारे गाड़ी नंबर नोट करके जब करेंगे से मानक डेप्यूट कराऊ ना पीसीआर भैन को डेडिकेटेडली सब पेट्रोल पंप रैंडमली प्रतिदिन डिप्लॉय करा जाओ ताले ही एटा हो पार ताद्वारा तापर कौन जो सीसीटीवी फुटेज जो नहीं काली से तर्जमा करूँ कारगिल पेट्रोल पंप केतटा लोक बिना हेलमेट पकईंटे तर्जमा करूँ और केते लोक हेलमेट करके पकाउंटा भी तर्जमा करूँ तो मुझे चाहिए जो गाड़ी मैंने बिना हेलमेट पकईंट से गाड़ी नंबर गुड़िक नोट करी ताप कौन आक्शन नहीं पारे से आमको
ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଯେତେବେଳେ ରାଲି ବାହାରୁଛି, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ନଥାଉଛି, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବରଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ସେ ରାଲିକୁ ନେଉଛି, ସେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକମାନେ ସେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖିଲପକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତେବେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନୋ ହେଲମେଟ୍ ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ଏମିତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ କି କେତେଟା ତୁମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ, ସେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ଭିତରେ ଆମକୁ ଅଧିକ କଲ୍ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମକୁ ଯଦି 10 ଥର ଥାନାକୁ ଡକାଯିବ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପ୍ରଶାସନର ସବୁଯାକ କ୍ଷମତା ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ରହିଲା, ଫୁଟେଜ୍ ରହିଲା, ଆପଣ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକର ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ସିଧା ଜବ୍ତ କରନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ, ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଡିଲର୍କୁ କହିବେ, ଡିଲର୍ ପାଖରେ କ'ଣ ପାୱାର ଅଛି? ଆମ କାମ ହେଲା ତେଲ ବିକିବୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧ। କିଛିଟା ଲୋକ ସହଜ ଆମର ଏଇ କାର୍ଗିଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପକାଉଛନ୍ତି। କିଛିଟା କାଁ ଭାଁ ଲୋକ ରାତି ଅଧିଆ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ସମୟରେ କ୍ଲୋଜିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ମନା କରିହେବନି ମନୁଷ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସାହି, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଗିଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକଙ୍କ କଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ତାକୁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ଭାବେ ଯେଉଁ 2 ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଉଚିତ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ କରାଯାଉ, ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେଉ, ଚାଲାଣ ବି କଟାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ଖିଲାପକାରୀ। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ଅଛି।